आ, दोस्तों आज के इस वीडियो में स्वागत है तबीयत मेरी अभी भी काफ़ी ख़राब है बट ऑल्सो uh, इस कैप के लिए आई अपोलॉजाइज बाल एकदम ख़राब हैं तो मुझे लगा कि ये कैप पहन के आज वीडियो करता हूँ बट आज जो है गूगल पिक्सल 4A का ये मेरा आखिरी वीडियो होने वाला है बिकॉज़ इसके बाद आई एम होपिंग फॉर टू थिंग्स वन माई हेल्थ विल गेट बेटर एंड दूसरा गूगल पिक्सल सिक्स की नए सीरीज़ ऑफ वीडियोस आप देखने वाले हो तो आज के इस आखिरी वीडियो में एक फेयरवेल मैं गूगल पिक्सल 4A को देना चाहूँगा लास्ट डेढ़ सालों में इसने जो मेरा साथ दिया है जिस तरीके से परफॉर्म किया है दैट इज़ कमेंडेबल तो क्या क्या चीज़ें मुझे पसंद आई हैं और क्या क्या चीज़ें गूगल इम्प्रूव कर सकता है अपने पिक्सल डिवाइसेस में वो इस छोटे से क्विक वीडियो में मैं बता दूंगा सबसे पहली चीज़ जो मुझे ऑफकोर्स पिक्सल डिवाइस की गूगल पिक्सल फोर ए की पसंद है अगर आप लोगों ने मेरा चैनल रेगुलरली देखा होगा तो वो है इसका कैमरा सिस्टम हाँ जी ये सिंगल कैमरा सिस्टम है इसमें वाइड एंगल नहीं है टेलीफोटो नहीं है बट स्टिल द इमेजेस आर एप्स यू लुटली टेनिफिक कलर्स हो कॉन्ट्रास्ट हो डायनामिक रेंज हो आपको जो है फ़ोटोज़ एडिट करने की भी ज़रूरत नहीं है आप डायरेक्टली उन फ़ोटोज़ को जो है सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी पोस्ट कर सकते हैं मैं पर्सनली रॉ में शूट करता हूं तो मैं स्नैपसीड या लाइट में काफ़ी बार एडिट करनी पड़ती है मुझे इमेजेस बट अगर आप जेपेक शूट करते हैं और आप एडिटिंग से थोड़ा डरते हैं या बोरिंग लगती है आपको एडिटिंग तो इतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ इमेजेस गूगल पिक्सल 4A आज भी प्रोवाइड करता है कि आप डायरेक्टली क्लिक किए हुए इमेजेस को सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं एंड कई बार लोग आपसे पूछेंगे कि ये किस कैमरा से लिया हुआ है और जब आप बोलोगे कि गूगल पिक्सल 4A स्मार्टफोन से लिया हुआ है देन दे आर ऑलवेज वाउड तो डेढ़ सालों में मुझे इस फोन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है कभी भी कोई भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई लैग्स है या कोई भी यहाँ पे स्लो डाउन है कुछ नहीं यार एब्सोल्युटली नथिंग इवन मल्टीपल एप्स अगर आपके खुले हुए हैं तो ऐसा कभी भी मुझे नहीं लगा कि मेरा फ़ोन जो है स्लो हो रहा है या लैग हो रहा है तो दूसरी चीज़ जो मुझे पसंद आई है गूगल पिक्सल फ़ोर ए की वो है द एंड्रॉयड एक्सपीरियंस एब्सोल्यूटली अमेजिंग अगर आपने कभी भी पिक्सल डिवाइस यूज़ नहीं किया है देन यू आर गोइंग टू बी ब्लोन अवे वैन यू यूज़ अ पिक्सल फोर इसका जो एंड्रॉयड एक्सपीरियंस है वो सुपर्ब है इट इज़ सेकेंड टू नन और प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस है इसके ऊपर कोई भी ताम झाम ब्लोटवेयर नहीं है कोई भी आपको बग्स वगैरह नहीं मिलेंगे एब्सोल्युटली सुपर्ब है बहुत अच्छा बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस लास्ट डेढ़ सालों में मेरा गूगल पिक्सल फोर ए के एंड्रॉयड के साथ रहा है हाँ अब जाके जो है एंड्रॉय 13 का आप अप, ऑफिशियल अपडेट आपको नहीं मिलेगा बिकॉज इसका लाइफ साइकिल जो है वो हो चुका है खत्म प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है वो हो चुकी है खत्म अगर एंड्रॉयड 13 बीटा आप करना चाहते हैं तो आप गूगल में जाके सर्च करके ओवर द एयर ऑफिशियली आप एक डाउनलोड कर सकते हैं मैंने नहीं किया है बिकॉज एंड्रॉयड थर्टीन बीटा मैं इतना कीन नहीं हूँ करने के लिए फॉर टू रीजनस वन इट्स अ बेटा सॉफ्टवेयर तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बग्स जरूर होंगे दूसरी चीज अगर एंड्रॉयड 13 करने के बाद बाद आप चाहते हैं एंड्रॉय ट्वेल्व में वापस आना देन प्लीज रिमेंबर आपको अपने फोन का जो डेटा है वो पूरा वाइप करना पड़ेगा सो योर फोन विल बी फैक्ट्री रीसेट लेकिन अगर Android 13 बेटा करना चाहते हैं एंड्रॉयड 12 से तो आपका डेटा वैसे का वैसा रहेगा आपके सारे जो है गैलरी में जो फोटोज हैं या हैं या जो भी आपके पास डेटा है फोन में वो वैसे के वैसे ही रहेंगे अपग्रेड प्रोसेस में बट अगर आप डाउनग्रेड करना चाहते हैं उसके बाद एंड्रॉयड थर्टीन मेरे को यार पसंद नहीं आया बेटा मैं ट्वेल्व करूंगा वापस से तो आपका फ़ोन जो है आपको ऐसा नहीं करने देगा विदाउट फैक्ट्री वाइपिंग द फ़ोन विच मीन्स आपका फ़ोन जो है एज़ गुड एज न्यू हो जाएगा आपका डेटा सब जो है वो चला जाएगा ये आपको याद रखना है अगर आप एंड्रॉयड थर्टीन बेटा करने के लिए सोच रहे हैं तो तीसरी चीज़ जो मुझे इसकी बहुत पसंद आई है लास्ट डेढ़ सालों में वो है इसका साइज़ और ऑर्गनॉमिक्स मैंने हमेशा कहा है द गूगल पिक्सल 4a ए इज़ परफेक्ट इन साइज है ना एकदम परफेक्ट साइज़ है चाहे वो स्क्रीन साइज़ हो चाहे वो फ़ोन का साइज़ हो चाहे वो थिकनेस हो वो परफेक्ट है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पॉकेटेबल है आराम से जो है पॉकेट में आ जाता है आप हाथ में भी आराम से कैरी कर सकते हैं स्क्रीन साइज़ भी एब्सोल्युटली परफेक्ट है मुझे नहीं लगा कभी कि यार छोटा है कार स्क्रीन बड़ा होता या कुछ एब्सोल्युटली अमेजिंग है ऑल्सो रिफ्रेश रेट की आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है पिक्सल सिक्स को लेकर कि सिक्सटी हर्ट्स है नाइन्टी हर्ट्स नहीं है ये वो मुझे पर्सनली ये डिस्टर्ब नहीं करता है बिकॉज मैंने फ्रैंकली कभी 120 ट्वेंटी हर्ट्स का डिस्प्ले यूज़ इतना नहीं किया है तो आई एम एब्सोल्युटली फाइन मुझे डेढ़ सालों में कभी भी नहीं लगा कि यार काश इसमें 90 हर्ट्स होता या काश इसमें 120 ट्वेंटी हर्ट्स होता तो शायद एक्सपीरियंस अच्छा होता हाँ ऑफकोर्स अच्छा होता बट मुझे पर्सनली कोई भी प्रॉब्लम जो है इसमें महसूस नहीं हुई है आई हैव बीन अ वेरी हैप्पी कस्टमर ऑफ द गूगल पिक्सल फोर ए डिवाइस ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है एंड्रॉयड सपोर्ट जो है बहुत अच्छा रहा है सिक्योरिटी अपडेट्स काफ़ी देते रहता है गूगल ऑफकोर्स इसमें एंड्रॉयड अपडेट्स अब ऑफिशियल नहीं आएंगे बट सिक्योरिटी अपडेट्स विल कंटिन्यू विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग तो द गूगल पिक्सल फोर ए स्टिल गेट सिक्योरिटी अपडेट्स अगर आपके पास पिक्सल फोर ए है एंड्रॉयड अपडेट नहीं मिलेगा यार बट सिक्योरिटी अपडेट आपको फिर भी मिलती रहेंगी अब कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इतनी पसंद नहीं आई गूगल पिक्सल 4 में विच आई थिंक गूगल कैन improve, आर uh, probably सबसे पहला जो है वो है फास्ट चार्जर सपोर्ट 18 वाट फास्ट चार्जर है थर्टी वाट्स एटलीस्ट होना चाहिए इवन द सिक्स ए हैज एटीन वाट विच आई थिंक इज़ वेरी ओल्ड स्कूल एटलीस्ट थर्टी वाट्स होना चाहिए जल्दी जल्दी आजकल की दुनिया में जो है चार्ज करके हमको काम करना होता है तो दैट इज़ समथिंग विच आई रियली विश कि इसमें भी जो है एटलीस्ट थर्टी वाट्स गूगल देता विच वुड हैव प्रोवाइडेड अलाट मोर जूस इन अलॉट मोर क्विकर टाइम फ्रेम दूसरी चीज जो मैं हमेशा ये कह रहा हूं अभी फिलहाल कुछ टाइम से कि ओवर की जो है प्रॉब्लम आ रही है फ्रॉम द लेटेस्ट अपडेट जो मैंने किया था अभी कुछ टाइम पहले जो गलती कर दी मैंने आ, ओवर बहुत हो रहा है ये बैठे बैठे ओवर होता है या जनरली यूज़ करते करते बहुत ज़्यादा ओवर होता है कैमरा यूज़ करते करते अगर मैं वीडियोस शूट कर रहा हूँ तो वो अचानक से दिखा देगा कि योर आ, कैमरा इज़ टू हॉट एंड ऑल दैट ये शट डाउन हो जाता है कैमरा ऐप तो वो एक जो है चीज़ गूगल को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो कोई अपडेट देते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो अपडेट जो है या तो प्रॉपरली यू नो you know, उनको इस तरीके से करना चाहिए कि ओवरहीट ना हो फोन या ओवरहीट होता भी है तो जो मैं कर रहा हूँ काम टास्क वो बंद ना हो स्लो डाउन ना हो वैसे फ़ोन में कोई स्लो डाउन नहीं होता है बिकॉज ऑफ द ओवर हीटिंग बट एक तो इरिटेशन बहुत हो जाती है यार फोन बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है ये वाला एरिया जो है बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है पड़े पड़े एंड ऑफ कोर्स अगर आप कैमरा यूज़ करते हैं स्पेशली वीडियो यूज़ करते हैं तो लेटेस्ट अपडेट के बाद आप थोड़ी देर वीडियो यूज़ करोगे उसके बाद इट विल जस्ट क्रैश या आपको दिखा देगा कि ओवर हो चुका है तीसरी चीज द ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी कुड हैव है ऑल दो मेरा कोई ऐसा पर्टिकुलर कंप्लेंट नहीं है कोई क्रीक्स कोई भी आवाज़ ऐसा मुझे डेढ़ सालों में नहीं दिखा है मैंने ड्रॉप नहीं किया अपना फ़ोन मैंने हमेशा जो है इसको केस में रखा है मोस्टली हमेशा केयर करी है तो आपको जो है यहाँ पे कहीं पे भी जो है आपको कोई ड्रॉप कोई स्क्रैच या कुछ भी ऐसा डेंट वेंट नहीं मिलने वाला है विच आई थिंक इज़ अ प्लस पॉइंट बिकॉज मैं अपने फ़ोन्स को हमेशा कोशिश ही रहती है कि ठीक से रखूँ ऑल कहीं ना कहीं गिर जाता है बट गूगल पिक्सल फोर नहीं गिरा है इट हैज़ नॉट बीन डैमेज विच इज़ वेरी वेरी नाइस तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है बट मे बी अगर थोड़ा सा बेहतर हो तो आई वुड बी रियली हैप्पी आई एम वेटिंग फॉर द सिक्स ए क्योंकि वो इंडिया में ऑफिशियली तो आ चुका है बट सेल्स uh, अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है ऑफिशियली प्री ऑर्डर पे है जो मैंने देखा है अभी ऑनलाइन तो होपफुली जब पिक्सल सिक्स ए मुझे मिले मिलेगा रिव्यू के लिए या आई विल गेट माई हैंड्स ऑन द सिक्स ए आई थिंक आई विल गोइंग टू आई एम गोइंग टू लव इट मुझे ऐसा लगता है तो ये है Google Pixel 4a और काफ़ी ढेर सारी वीडियोज़ जो है मैंने लास्ट डेढ़ सालों में Google Pixel 4a के ऊपर बनाई हैं दोस्तों आप लोगों ने देखा है आप लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है थैंक यू सो वेरी मच और कमिंग इन द नियर फ्यूचर गूगल पिक्सल सिक्स ए जो कि नया जनरेशन का इनका प्रोसेसर है नया जनरेशन का फ़ोन है जो कि नए जनरेशन के एंड्रॉयड्स लेके आने वाला है आगे के वीडियोज़ उसी में होने वाले हैं तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को कर दूंगा एंड और दुआ करता हूं कि नए वीडियोस मैं जल्दी जल्दी डाल सकूं और मेरी तबीयत जो है मेरा स्वास्थ्य जो है वो जल्दी से बेहतर हो सो so दैट मैं पहले का स्केड्यूल दोबारा फॉलो कर पाऊं इसी के साथ गूगल पिक्सल फ़ोर ए को करता हूं अलविदा और आप लोगों से लेता हूं विदा मिलूंगा होपफुली बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में दोस्तों द गूगल पिक्सल फ़ोर ए एंड बॉबी रॉय सेग गुड बाय